हेलो डियर ऑफिशर्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिशर्स पर। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूँ आज एक नई सीरीज में, जो सीरीज है आपके पाथफाइंडर सीरीज, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स। इसमें अगर मेरिट और डीमेरिट की बात करूँ तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं पाथफाइंडर सीरीज। पाथफाइंडर सीरीज में अगर बात करें तो हम नाउन टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें सभी टॉपिक्स को बारी बारी से कैटर करते हुए हम लोग पूरे एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। जितना जो कुछ हमने पढ़ा हुआ है वो इस बुक के माध्यम से सारी चीज़ें एक बार रिकॉल कर लेंगे। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है तो जो लिमिटेड टाइम है उसी टाइम में हमें सारी चीज़ें रिकॉल करनी है, तो उसके लिए रिकॉल करने के लिए रिवीजन के लिए इस बुक की हेल्प ले लेते हैं हम, पाथफाइंडर बुक की। इसमें मेरिट की बात करें तो इसकी मेरिट सबसे बेहतरीन, वो सबसे जो मुझे यूनिक लगी वो ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए हैं। जिस पैटर्न पर सीडीएस में क्वेश्चन पूछता है आपके, सेम उसी पैटर्न पर इस पे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। डीमेरिट की बात करें तो डियर एक ही है कि नंबर आप क्वेश्चन हर एक टॉपिक में कम है। जो जो मैं सोचता हूँ कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन ईच एंड एवरी टॉपिक में दिए गए हैं, जो कि मोर देन दैट हो सकते थे। यदि इसमें और ऐड किए जाते तो और बेहतर होता। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज से इस सीरीज का लुत्फ़ उठाइए आप, और वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने साथियों तक ताकि वो भी बेनिफिट पा सके। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। टॉपिक है आपका फर्स्ट, नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन के जो स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन दिए गए हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं, और जो क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ साथ आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर भी फोकस करिएगा। जो मैं एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ, कई बार वो क्वेश्चन वो पैटर्न नहीं आता, उसे एडिशनल इन्फॉर्म वाली चीज़ें दे दी जाती हैं, तो आपको पूरे तरीके से इसको गो थ्रू करना है लेक्चर को। आइए फिर स्टार्ट करते हैं डियर। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफ़र टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड दैम सो फॉर। अब ये फर्स्ट टाइप सबसे पहला क्वेश्चन है, इनिशियल क्वेश्चन है, और सर इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपको सीखनी पड़ेगी वो ये है कि ऑर्डर एंड ऑर्डर्स में डिफरेंस, क्लियर। तो ऑर्डर वर्ड वैसे नाउन है, इसको जब आप ऑर्डर वर्ड वैसे वर्ब है, जब इसको नाउन के तौर पर यूज करेंगे तो सर ये ऑर्डर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर्स। और ऑर्डर्स का मीन्स होता है सर इंस्ट्रक्शंस, 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 है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, क्लियर। और ये कैसा नाउन है सर? ये प्लूरल नाउन है सर, ये प्लूरल नाउन है। तो इस तरीके कुछ वर्ड और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पहले आंसर क्लियर कर लेते हैं। तो सर यहाँ ऑर्डर नहीं होगा और यहाँ पर क्या होगा? ऑर्डर्स होगा। एंड हैज के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे? हैव। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो उसके ट्रांसफ़र के जो ऑर्डर हैं वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन अभी तक उसने रिसीव नहीं किया है। सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देखिएगा, जिस तरीके से आप ऑर्डर वर्ड यूज कर रहे हैं, ऑर्डर्स यूज करेंगे नाउन के तौर पर, ऐसे नाउन के तौर पर कंटेंट नहीं होता सर, कंटेंट्स यूज करते हैं। कंटेंट्स, कंटेंट्स का मतलब विषय वस्तु होता है सर। इसी तरीके से हम गुड्स यूज करते हैं, गुड्स, और इसी तरीके से सर थैंक्स यूज करते हैं, थैंक्स, और सर इसी तरीके से रिगार्ड्स यूज करते हैं, REGARDS। सर इसी तरीके से कंग्रेचुलेशंस यूज करते हैं, कंग्रेचुलेशंस, 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 क्लियर। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको देखने में, जैसे एक वर्ड और आता है सर रिचेज आता है, RICHES, रिचेज आता है। तो ये वर्ड रिजेंबल हो रहे हैं ऐसे जैसे ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। जैसे अगर आप देखिए तो ये वर्ब है, जैसे इसी तरीके से ये एडजेक्टिव है। गुड नाउन है, नाउन से बन गया गुड्स, और थैंक वर्ब है, वर्ब से बन गया थैंक्स नाउन। रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स वर्ब है और इससे बन गया रिगार्ड्स नाउन। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें से कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नाउन, जो एडजेक्टिव हैं और वर्ब हैं और उनसे नाउन बनाया गया है। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स हैं जो या तो वर्ब से नाउन बना दिए गए या तो एडजेक्टिव से नाउन बना दिए गए। जैसे ये क्वेश्चन बहुत आता है रिचेस से लेकर के अगर बात करें तो सर ये क्वेश्चन, अब पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं कि ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन्स, पहली चीज़ ये है।
एंड द सेकेंड थिंग इज कि किस तरीके के नाउन है सर, ये प्लूरल नाउन है सर। ये कैसे नाउन है? प्लूरल नाउन है। तो दो बातें जो आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है कि सर इनको नाउन के तौर पर ऐसे यूज करने, विदाउट एस नहीं यूज करने। सेकेंड थिंग, अगर ये कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो जो वर्ब यूज करेंगे हम, दैट विल बी प्लूरल। वो वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। जैसे एक स्टेटमेंट आपका यहाँ पर कई बार पूछ लेता है, रिचेज हैज विंग्स। तो सर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप रिचेज वर्ड यूज कर रहे हैं। वैसे रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट होगा, ये बात भी आपको जाननी जरूरी है यहाँ पर। रिच मीन्स अमीर, रिचेज मीन्स होता है संपत्ति, एसेट्स ये कह सकते हो। तो यहाँ पर हैज न यूज करके डियर क्या यूज करें? हैव। तो रिचेज हैव विंग्स, क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर एक वर्ड और हो सकता है सर, वो वर्ड हो गया हमारा कौन सा? एसेट्स, है ना? एसेट्स से ये वर्ड बना हुआ है, एसेट्स। तो होपफुली इतनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एनफ है और आप इसके माध्यम से सारी चीज़ें रिकॉल कर ली है। आइए नाउ मूव टू अनदर वन। ऑल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज एट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स ये लिख रहा है। सर एक बात यहाँ पर समझिएगा, पहले तो इसके पहले आर्टिकल आ आता है, इसका साउंड ईयर होता है। इसमें कई बार हम स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पर एन लगा देते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है? तो आर्टिकल आ यूज करना है इसमें, एक बात ये। सेकंड थिंग जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। सर ये अल्फ़ाबेट होता है, अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स ए से लेकर के जेड तक के सभी लेटर्स की बात हम करने लग रहे हैं। तो इट मीन्स हम इसको अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट दिस वर्ड अल्फ़ाबेट्स, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एक बात आपको समझ आई कि अल्फ़ाबेट का मीनिंग क्या हो गया, ए से जेड तक सारे के सारे वर्ड। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ अक्सर स्टूडेंट से कि ये बताइए ए बी सी डी में कितने लेक्चर होते हैं, और इनकी रीजनिंग इतनी वीक होती है कि वो कहते हैं 26 लेटर होता है। फिर थोड़ी देर बाद रिकॉल कराता हूँ मैं कि सर आपने ए बी सी डी चार ही वर्ड तो बोले हैं, चार में 26 कैसे हो गए? इन फोर वर्ड्स में 26 कैसे हो गए? तो ये अवेयर रहने की चीज़ है। तो देखो एक बात समझिएगा, अल्फ़ाबेट का मीनिंग क्या हो गया, ए से लेकर के जट तक के सारे वर्ड्स, क्लियर? लेकिन अल्फ़ाबेट्स नहीं लिख सकते, लेकिन सर कहीं कहीं अल्फ़ाबेट्स वर्ड जो है वो करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि अगर कहीं पर अल्फ़ाबेट्स वर्ड लिखा है, अल्फ़ाबेट्स वर्ड लिखा है और ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये वर्णमाला की बात नहीं कर रहा है सर, ये लैंग्वेजेज की बात कर रहा होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहा होगा? सर लैंग्वेजेज की बात कर रहा होगा। सो आर कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज दैट कि अल्फ़ाबेट दो तरीके से, वी कैन यूज अल्फ़ाबेट इन टू वेज, है ना? दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं अल्फ़ाबेट वर्ड का। एक तो ये बात करेगा सर वर्णमाला की, ए से लेकर के जेड तक, और सेकेंडली ये बात करेगा सर लैंग्वेजेज की। इट डिनोट्स अबाउट लैंग्वेज, ठीक है? और जब ये लैंग्वेज को डिफाइन करने लग रहा होगा वहाँ पर ये वर्ड कैसा होगा, ये बात ध्यान रखिए कि इट कैन मेक प्लूरल। इस केस में प्लूरल बन सकता है, इस केस में प्लूरल नहीं बन सकता। ये दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट, ये रियल बात है जो आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट में आइए डिस्कस करते हैं, सर किसकी बात कर रहा है, लैंग्वेजेज की बात कर रहा है या फिर वर्णमाला की बात कर रहा है? ऑल्दो सी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, यद्यपि उसने एक साल तक इंग्लिश पढ़ी है ना, फिर भी क्या कह रहा है? सी इज एट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, अभी भी उसको अल्फ़ाबेट सीखने हैं। कोई बच्ची है वो एक साल से अल्फ़ाबेट सीख रही है, लेकिन अभी भी उसको एक साल से इंग्लिश पढ़ रही है लेकिन अभी भी उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्लियर नहीं है। सर यहाँ वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, पार्ट नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। आइए नाउ मूव टू थर्ड वन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड वन। देयर आर स्कोर्स ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। सर मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ पहले, और बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है? इसके पीछे का जो मेन लॉजिक है वो समझने की कोशिश करते हैं। सर ये वर्ड है, कौन से वर्ड हैं? सर डजन है, सर स्कोर है, स्कोर है, सर कौन सा है? इसी तरीके से हंड्रेड है, HUNDRED, हंड्रेड है। सर कैसा वर्ड है? लैक है। सर कैसा है? मिलियन है।
मिलियन है, थाउजेंड है, मिलियन है, थाउजेंड है, थाउजेंड वर्ड मिसिंग है, थाउजेंड भी लिख लीजिए। सर इसमें दो तरीके के पॉइंट्स बनते हैं। एक पॉइंट ये बनते हैं कि सर ये वर्ड डेफिनेट होते हैं, कैसे, ये जो वर्ड आपने लिखे हैं ये डेफिनेट होते हैं। सर ये जो वर्ड होते हैं ये इनडेफिनिट होते हैं, कैसे होते हैं सर, इनडेफिनिट होते हैं। सर ये डेफिनेट इनडेफिनिट नहीं समझ आ रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात, जब आपको नंबर गिवेन हो तो ये वर्ड डेफिनेट के तरीके वर्क करते हैं, और जब नंबर गिवेन नहीं है तो ये इनडेफिनिट के तरीके वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा टू और 200 वर्कर्स है ना, तो नंबर गिवेन हो गए। जैसे आप सीधे सीधे ऐसे समझिए, मैंने कहा 200,000 छात्र, तो आपने क्लियर कर लिया कि सर इसमें नंबर क्लियर है, कितने लाख हैं वो भी नंबर क्लियर है, 200,000 है। लेकिन अगर मैंने कहा लाखों छात्र तो फिर नंबर क्लियर नहीं है। तो अगर नंबर क्लियर हो तो ये डेफिनेट होता है, डेफिनेट होने पर ये वर्ड कैसे होते हैं, सिंगुलर। इनडेफिनिट जब नंबर क्लियर नहीं होगा तो ये इनडेफिनिट हो गए, इनडेफिनिट होने पर इनके साथ क्या लगता है सर, ऑफ लगता है, और ये वर्ड कैसे होते हैं सर, प्लूरल होते हैं। समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि मैंने कहा देखिए ये लिखा हुआ है टू डजन या डजन्स बुक्स, ये लिखा हुआ है सर, टू डजन या डजन्स बुक्स, क्लियर। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो सर यहाँ पर लिखा हुआ है डजन या डजन्स ऑफ बुक्स। ये दो स्टेटमेंट हैं सर, ये क्लियर कर देंगे हमारी पूरी बात को। सर एक बात पहले ये समझिएगा, आपको अगर चीज़ें क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इनटू टू मोड पे लगा करके वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर नंबर लिखा है टू लगा हुआ है तो सर डजन आएगा, डजन्स नहीं आएगा, क्लियर। यहाँ पर सर ऑफ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑफ, तो सर क्या आ जाएगा, डजन्स आ जाएगा, डजन नहीं आएगा, क्लियर। एक तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड मैं आपको और बताता हूँ, देखो आप इसका अर्थ निकालिए तो सर क्या बोलेंगे, दो दर्जन किताबें, यही तो बोलेंगे। और यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, दर्जनों किताबें। सर सबसे बेहतरीन मेथड है, इससे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी 0% हो जाती है। कि आपने दर्जन लिखा तो सर सिंगुलर होगा तो डजन लिखा, आपने दर्जनों लिखा तो सर कैसा हो गया, प्लूरल। तो एक तो तरीका ये है कि सर नंबर आएगा तो सिंगुलर होंगे, ऑफ आएगा तो प्लूरल होंगे, एक तरीका वो। सेकंड मेथड मैंने आपको और बता दी, क्या कि सर हिंदी मीनिंग निकाल करके देखेंगे, अगर दर्जन आएगा तो सिंगुलर हो गया, दर्जनों आ गया तो प्लूरल हो गया, लाख आएगा तो सिंगुलर, लाखों आ गया तो प्लूरल। तो ये आप हिंदी मीनिंग निकाल करके कैटर कर सकते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन में, ये स्कोर वर्ड शायद मेरे ख्याल से ना जानते हो, तो स्कोर का मतलब होता है कौड़ी, पहले के समय में चलता था, तो अब फिलहाल ज़्यादा यूज एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसके पहले सर टू लगा हुआ है, टू लगा हुआ है तो स्कोर लिखेंगे, स्कोर्स नहीं, पार्ट नंबर ए में प्रॉब्लम है। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया सर, फोर्थ में आते हैं। चिल्ड्रन आर मेकिंग प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू, बच्चों के पास जब कुछ करने के लिए नहीं होता तो एक ही चीज़ करते हैं, क्या, मिसचीफ करते हैं, शरारतें करते हैं, है ना। तो मिसचीफ वर्ड कैसा है सर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा है सर, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको तीन बातें याद रखनी है कि सर अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं करते, सेकेंड थिंग इज दैट कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, एंड थर्ड वन इज कि अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर की तरीके ट्रीट करते हैं। ये तीन बातें आपको याद रहनी चाहिए जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए। अब लिस्ट बहुत बड़ी है, आप जानते हैं मोस्ट ऑफ द नाउन, तो इस पर अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट फिफ्थ में चलते हैं, सीप्स आर इकोनॉमिकल यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। आसान क्वेश्चन है, बी, वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, देखिए सीप वर्ड जो होता है, कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल विल बी सेम। तो अगर आप कहीं पर सीप लिख रहे हैं सर, या फिर आप कहीं पर डियर लिख रहे हैं, दोनों के दोनों वर्ड कैसे होते हैं सर, सिंगुलर भी यही होता है एंड प्लूरल भी यही होता है। तो इसमें कभी एस या ई एस इंक्लूड करके नहीं लिखेंगे, जैसे ये सीप से लिख रहा है, ये गलत हो गया, यहाँ पर सीप आर, बाकी आर करेक्ट है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यहाँ पर पार्ट नंबर ए में प्रॉब्लम है। फाइव हो गया, सिक्स की तरफ, आई हैव गॉन थ्रू, गो थ्रू मतलब रीड करना है ना, द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं इसके बारे में,
ऑलरेडी आपको पता है कि कंटेंट और कंटेंट्स में क्या अंतर है, डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ, एक अवेयर ऑफ ध्यान कर लीजिएगा। अब ये जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, जितने मैंने प्रीपोजिशनल के एक्सप्रेशन आपको पढ़ाए हैं, प्रपोजिशन और इसके अलावा फ्रेजल वर्ब, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। जहाँ आपको मिले तुरंत अंडरलाइन करिए। जैसे आपको यहाँ पर गो थ्रू मिला तो सर इसका मीनिंग समझ लिया तुरंत, है ना। अवेयर ऑफ मिला तो जहाँ पर मिलते जाए उनको पॉइंट आउट करते जाइए, क्योंकि ये अगर आप रिकॉल नहीं करेंगे तो वो सब मतलब एक तरफ से स्लिप होता जाएगा, फिर आपको रिकॉलिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आइए तो यहाँ पर देखिए, इट्स लगा है। इट्स क्या है सर? ये पजेसिव है। क्या है? पजेसिव है। और पजेसिव के बाद क्या लिखते हैं सर? नाउन लिखते हैं, वर्ब नहीं लिखते हैं। तो दैट इज़ वाई वी यूज कंटेंट्स। कंटेंट्स विल बी योर करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरा इसको डिटेल में समझाया हुआ है मैंने। आई एस सेवन में आते हैं। आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कम्प्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, मीटिंग अटेंड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वर्क हैं कंप्लीट करने के लिए। अलॉटेड टाइम, जो टाइम मुझे दिया गया है उसमें मेरे पास बहुत सारे टास्क हैं। अब देखिए सर, सिंस के बारे में आने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि सिंस प्रपोजिशन भी होता है, सिंस कंजक्शन भी होता है। सर यहाँ रीजन बता रहा है, और जब रीजन बताएगा तो सर क्या आएगा? कंजक्शन है, हो गई है ना। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो सेगमेंट होता है, जो आपके एग्जाम में बार बार आता है सर, वो फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। तो वो ऐसे ही आप कैटर कर पाएंगे, जहाँ पर वर्ड मिला तुरंत उस पर डिस्कशन कर लिया। अब देखिए, वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो वर्क का मतलब क्या होता है? सरकार होता है। वर्क का मतलब क्या होता है? सरकार होता है। वर्क कैसा नाउन? सर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका प्लूरल तो नहीं बना सकते, तो दैट इज़ वाई वर्क्स इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त भाई बंधु, एक बात और समझना कि वर्क को हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। वर्क एक वर्ड है, और वर्क का यूज अनकाउंट, वर्क का दूसरा जो मीनिंग होता है ये होता है एक तरीके से लिटरेरी वर्क के लिए यूज करते हो, लिटरेचर के लिए यूज करते हो, साहित्य के लिए यूज करते हो। और इस केस में डियर ये काउंटेबल नाउन होता है। तो ये बात आपको समझनी है क्या, कि वर्क का मतलब कार्य है तो अनकाउंटेबल है, वर्क का मतलब लिटरेचर है इट मीन्स काउंटेबल है। जैसे कहा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा महादेवी वर्मा कंपोज्ड मैनी वर्क्स अबाउट नेचर, या मान लो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड अ नंबर ऑफ पोएम्स, अ नंबर ऑफ वर्क्स ऑन नेचर। रोमांटिक पोएट हैं, नेचर के बारे में लिखते हैं, क्लियर। तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेचर के ऊपर बहुत सारा साहित्य लिखा है। अब मैं वर्क्स यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये बात आपको समझनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करते हैं। डियर यू शुड बी ऑलवेज टू बी ट्रू टू योर वर्ड्स, योर वर्ड्स इफ यू आर सक्सीड इन लाइफ। जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपनी बात से कभी मुकरो नहीं, अपने प्रॉमिस को हमेशा फुलफिल करो, ये कहना चाह रहा है। तो सर वर्ड को हम दो तरीके से यूज करते हैं। वर्ड का मतलब सर शब्द होता है, वर्ड का मतलब सर प्रॉमिस होता है। दो तरीके से, जहाँ पर देखिए क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी वही होती है जहाँ पर एक वर्ड के मल्टीपल फंक्शन हो जाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बन जाती है, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पिक करता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब देखिए, वर्ड का मतलब शब्द है तो सर ये काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल। वर्ड मतलब प्रॉमिस है तो सर ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये दो बातें आपको समझनी है कि वर्ड के दो दो मीनिंग है, वर्ड का मतलब शब्द, वर्ड का मतलब प्रॉमिस। अब इस स्टेटमेंट को देखिए, कह रहा है यू शुड बी ऑलवेज ट्रू टू योर वर्ड्स। सर यहाँ शब्द की बात नहीं कर रहा है, सर यहाँ प्रॉमिस की बात कर रहा है। तो तुम्हें अपने बात का धनी होना चाहिए। ट्रू टू वर्ड ये फ्रेज भी है, ध्यान रखिएगा, ट्रू टू वर्ड, ट्रू टू वर्ड्स, है ना। वर्ड्स नहीं लिखेंगे, ट्रू टू वर्ड, प्रॉमिस को फुलफिल करने वाला इंसान, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ अ पिटी दैट इवन 5 ईयर्स ओल्ड बॉयज आर एंगेज्ड इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। सर ये देखिएगा, एक एक्सप्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है सर, इंगेज के साथ इन लगाते हैं, एब्जॉर्ब के साथ इन लगाते हैं, इंडल्ज के साथ इन लगाते हैं, ये आपको रिकॉल कर रहे होंगे आप। आइए अब वापस आते हैं, एक बात समझिएगा, ये एक्सप्रेशन भी सही है सर, इसमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं आप। जितने ज़्यादा फ्रेजेज पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जैसे इट इज़ अ पिटी, दिस इज़ योर करेक्ट फ्रेज। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी में प्रॉब्लम मार कर देते हैं, इट इज़ अ पिटी गलत होगा, इट इज़ पिटी होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है मॉडिफायर का,
एक कॉन्सेप्ट आता है मॉडिफायर का। और मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट क्या है पहले ये समझिएगा। व्हेन एवर यू राइट एनी नाउन क्लियर, एंड यू यू कैन यूज एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिफोर दिस नाउन, एंड दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉडिफायर। एंड वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी मॉडिफायर। ये आपकी पूरी कहानी है, ठीक है। आप इसको समझें ज़रा कैसे, जैसे मैं एक दो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ पहले कि ये मॉडिफायर का फंक्शन किस तरीके से है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा आ फाइव मैन कमेटी, दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब ये जो कमेटी वर्ड है सर, ये क्या है? नाउन है। ये क्या है सर? आर्टिकल है। बीच वाला क्या, या पूरा क्या बन गया? ये मॉडिफायर बन गया। सर मॉडिफायर कैसे नहीं होते, प्लूरल नहीं होते? तो आ तो करेक्ट है, फाइव तो करेक्ट है, ये प्लूरल हो गया। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? वी शुड राइट मैन MAN नॉट MEN। तो ये मॉडिफायर वाले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे कहा जाए, एक एक्सप्रेशन और मैंने लिया, आ फाइव हंड्रेड मीटर्स रेस। आप हमेशा ब्रेक करिए लास्ट से, लास्ट वाला नाउन है वहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करिए, तब आप इजीली कर पाएंगे। ये रेस वर्ड क्या हो गया सर? डियर, ये नाउन हो गया। जब ये नाउन हो गया तो ये जो आपको टर्म दिखाई पड़ रहा है सर, ये क्या है? मॉडिफायर। फाइव करेक्ट लिखा है, हंड्रेड करेक्ट लिखा है सर, मीटर्स नहीं होगा, मीटर यूज करेंगे। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो अगेन इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कहीं पर मॉडिफायर है, फाइंड आउट करिए उसको, निकालिए। दो बातें याद रखिएगा, किसी एडजेक्टिव एंड किसी मॉडिफायर, मॉडिफायर का सर सर प्लूरल नहीं बनता। अब ये मॉडिफायर मत कहने लगिएगा, कुछ लोग ढंग से प्रोनंसिएट नहीं करते हैं तो मॉडिफायर में है। चलिए देखो, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये ओल्ड बॉयज, बॉयज वर्ड क्या हो गया डियर? ये नाउन हो गया। अब नाउन हो गया तो ये आगे वाले एक्सप्रेशन क्या है, इवन फाइव ईयर्स ओल्ड। अब ये क्या है? ये सर मॉडिफायर है, एंड वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ एनी मॉडिफायर, दैट इज वाई वी यूज ईयर इन प्लेस ऑफ ईयर्स। पार्ट नंबर कौन सा हो गया? इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट, आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग। मैंने उससे 200 रुपए का नोट दिया डिपॉजिट करने के लिए। सर सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, इजिली आप कर सकते हैं। क्या है सर? 2 है, 100 है, रुपीज है, नोट्स है, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे आप, नोट्स वर्ड क्या हो जाएगा सर? नाउन हो जाएगा। जब ये नाउन हो जाएगा तो सर ये जो 200 रुपीज लिख रहे हो, ये क्या है? ये सर कंप्लीट मॉडिफायर है। मॉडिफायर प्लूरल होगा नहीं तो सर रुपीज नहीं आएगा, रुपी आ जाएगा। 200 रुपी नोट्स, दिस इज योर करेक्ट फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 में आते हैं, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज who are not sensible enough to deal with their own problems. कह रहा है ये मेरा काम नहीं है, it is not my business, ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को एडवाइस दूँ, खासतौर से उन लोगों को एडवाइस दूँ जो सेंसिबल हैं और बहुत ज़्यादा नॉट सेंसिबल enough नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स में डील करने के लिए। सर यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम एडवाइस की है, देखते ही आप आंसर क्लियर कर देंगे। अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज वाई एन का यूज नहीं होगा। एंड एन की जगह अगर आप यूज करना चाहते हैं तो सर आप यूज कर सकते आ पीस ऑफ, क्या यूज कर सकते आ पीस ऑफ, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट इज़ नॉट माई बिजनेस टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर एन को ड्रॉप ही कर सकते। आइए नेक्स्ट, आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज़ समबडीज एल्स। अब ये आपने पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर रखा होगा, आप जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर भी इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समबडी इल्स। पहली बात तो वन ऑब्लिक बडी से जितने वर्ड बनते हैं सर, इनके साथ हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं, ऑफ नहीं लगाते हैं, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स, दे आर लिविंग्स, है ना। एंड अनदर थिंग इज दैट कि जब आप इनके साथ, देखिए वन ऑब्लिक बडी के वर्ड के साथ आप इल्स का यूज करने लग जा रहे हैं, क्या करने लग जा रहे हैं? इल्स का यूज करने लग जा रहे हैं। तो ये जो एपोस्ट्रॉफी एस है, ये एक्चुअल में यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन बन जाता है, कंपाउंड नाउन।
और कंपाउंड नाउन आप जानते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर के बने, तो कंपाउंड नाउन का पजेसिव बनाते समय हम लास्ट वर्ड के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो दैट इज वाई हम इल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं यहाँ पर, फिर वन ऑब्लिक बडी वाले वर्ड के साथ नहीं लगाते। ये बहुत सारे भाई बंधु हमारे इस बात को अच्छे से मगिंग अप करते हैं, मगअप करते हैं, उनको एक्चुअलिटी नहीं पता होती ऐसा क्यों करते हैं। तो रीज़न इज़ दैट कि वो कंपाउंड बन जाता है, और कंपाउंड में हमेशा लास्ट वर्ड वर्ड के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये रॉन्ग हो जाएगा सर, यहाँ करेक्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा समबडी इल्सेस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक पॉइंट आपको और भी यहाँ पैनिक कर सकता है कि सर एपोस्ट्रॉफी के बाद नाउन का होना मैंडेटरी है, तो सर इस वाले केस में नाउन ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है हाउस, तो वो जो नाउन है वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, वो अंडरस्टूड है वहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। सी मिस स्पेल्ड हर स्पेक्टिकल एंड नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडीइंग। आइए चेक करते हैं इसमें। सर ये बिल्कुल बेहद आसान सा क्वेश्चन है, स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, और इस तरीके कौन से वर्ड आते हैं, ये कह रहा है सर स्पेक्टिकल्स, मजनू भाई वाला चश्मा जानते हो, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, गॉगल्स, पिंसर्स, ये बहुत सारे वर्ड बनते हैं, पिंसर्स हैं, ठीक है, ट्राउजर्स है, जीन्स है, पैंट्स है, ये सारे वर्ड्स बनते हैं। मतलब ऐसा नाउन जो दो पार्ट से मिलकर के बने वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो ये दीज नाउन्स आर ऑलवेज ऑलवेज प्लूरल, क्लियर। और इन्हें डिफाइन करने के लिए नंबर में हम पेयर ऑफ वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। वैसे ये जितने नाउन्स हैं ये कैसे होंगे, ये सर ऑल दीज नाउन्स आर प्लूरल, चाहे सीजर्स, पिंसर्स, गॉगल्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे वर्ड जितने बात करें। जैसे इनमें से एक और आता है सर बाइनोकुलर्स, एक वर्ड ये आता है आपका बाइनोकुलर्स, और मैं दो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर करके बताइएगा क्या करेक्ट आंसर आपका है। मैंने कहा ठीक है, डू यू फाइंड या डिड यू फाइंड माई बाइनोकुलर्स, डिड यू फाइंड माई बाइनोकुलर, बाइनोकुलर्स, डिड यू फाइंड माई बाइनोकुलर्स, एस के साथ लिखा हुआ है सर, चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, बाइनोकुलर्स, 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 वेयर वेयर, ठीक है, इज इट, वेयर इज इट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपके लिए, ये बताइएगा आप। मैंने कहा अ पेयर ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स वर बॉट बाय मी, वर बॉट बाय मी, दीज आर टू क्वेश्चंस फॉर यू, बॉट बाय मी, ठीक है। तो बताइएगा इन दोनों के बारे में, क्वेश्चन क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑफ एडवेंचर्स, ये एक क्वेश्चन दिया गया डियर, इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो ये जो लिख रहा है अरेबियन नाइट्स, ये है क्या सर? तो ऐसे कुछ हम टर्म पहले ले लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। सर एक टर्म ये है आपका डेफोडिल्स, 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 सर एक टर्म है आपका, इसी में अगर बात करें सेवन स्टेजेज ऑफ लाइफ, सेवन स्टेजेज ऑफ लाइफ, स्टेजेज ऑफ लाइफ, सेवन स्टेजेज ऑफ लाइफ। सर इसी तरीके से हमने लिखा है अमेजिंग, अमेजिंग नाइट्स, अमेजिंग नाइट्स, अमेजिंग नाइट्स। सर एक और लिख लिया गुलीवर टेल्स, गुलीवर्स टेल्स, गुलीवर्स टेल्स, एक ये लिख लिया गुलीवर्स टेल्स, है ना। तो ये जो टाइटल है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कैसे टाइटल हैं अगर इनके बारे में बात करें, तो टाइटल्स आर ऑलवेज सिंगुलर। ये क्या है, पहली बात तो ये टाइटल हैं सर, और टाइटल हमेशा कैसे होते हैं सर, ये सिंगुलर होते हैं, और भले सीमिंगली प्लूरल, भले वो आपको देखने प्लूरल लग रहे हो, है ना, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, कैंटेबरी टेल्स, कैंटेबरी टेल्स, कैंटेबरी टेल्स, टेल्स, टेल्स आर, आर रीड बाय अस, रीड बाय अस, रीड बाय अस। और ये जितने आप देख रहे हो ना ऊपर डेफोडिल्स, ये एक पोएम है खासतौर से वर्ड्सवर्थ साहब की, सेवन स्टेजेज ऑफ लाइफ, अमेजिंग नाइट्स, गुलीवर टेल्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमे, जितने पूछे जाते हैं ना ये टाइटल, वो सारे मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिए हैं। एक और टाइटल आपका बनता है सर, वो भी मैं लिख देता हूँ, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज,
टू सिटीज, देखने में ऐसा लग रहा है सीमिंगली प्लूरल बट दिस इज अ टाइटल, टाइटल है तो सर ये कैसा होगा सिंगुलर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चार्ल्स डिकेंस का एक नॉवल है। अरेबियन नाइट्स आर नहीं होगा सर, इज होगा चूंकि टाइटल, और टाइटल इज ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। तो समर वेकेशन मतलब छुट्टियों की बात कर रहे हैं सर, वेकेशंस नहीं आएगा, वेकेशन आएगा। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राशन हैज रन आउट एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म। जो राशन है वो खत्म हो चुका है सर। ये राशन वर्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है, ये किसका वर्ड है सर, इंग्लिश का वर्ड है जो कि हिंदी में यूज किया जाने लगा है, एज इट इज हम लोग इसको हिंदी में यूज करने लगे हैं, लेकिन ये वर्ड जो है ये इंग्लिश का वर्ड है। अब इसके बारे में कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लीजिए आप, जैसे एक वर्ड है आपका राशंस, जैसे एक वर्ड है आपका राशंस, जैसे एक वर्ड है सर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, जैसे वर्ड है सर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, जैसे वर्ड है सर आर्म्स, आर्म्स, ए एल एम एस, आर्म्स, सर एक वर्ड है एसेस, एसेस, सर एक वर्ड है रिमेन्स, रिमेन्स, इस तरीके के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सर। कंग्रेचुलेशंस, 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 दीज आर दी वर्ड्स सर। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स मीन्स होता है सूचना, टाइडिंग्स, क्लियर। तो दीज आर दी वर्ड्स, और ये सभी के सभी वर्ड्स कैसे हैं सर, ये सभी वर्ड्स प्लूरल हैं, कैसे हैं सर, प्लूरल है, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है सर, ये राशन वर्ड नहीं है पहली बात, तो राशंस होगा। एंड अनदर थिंग इज दैट कि सर हैव यूज करेंगे, हैज नहीं आएगा, तो ये करेक्ट आंसर बनेगा राशंस हैव रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म। नेक्स्ट 17, द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विथ माइट। अब पहले तो ये आप मार्क कर लीजिए सर, यहाँ पर इन्फेस्ट के साथ विथ का यूज करते हैं, इन्फेस्टेड विथ आपको कराया था प्रपोजिशन वाले लेक्चर में, है ना। तो टेबल्स वुड ये सर रॉन्ग है, यहाँ पर क्या आ जाएगा द वुड ऑफ टेबल, ये बन जाएगा द वुड ऑफ टेबल, द वुड ऑफ टेबल, ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा द वुड ऑफ टेबल। नॉन लिविंग थिंग के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते हैं सर, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ, आप जरा इनका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जवाब दीजिए, भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन, आप जितनी भी बातें आप जानते हो सारी लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा सर सन्स, पहला स्टेटमेंट है सन्स रेज, सन्स रेज, सर यहाँ पर लिखा है अर्थ एटमोसफियर, अर्थ एटमोसफियर, अर्थ एटमोसफियर, एटमोसफियर, ठीक है, क्या ये करेक्ट है, बस आपको इतनी बात बतानी है, इज इट करेक्ट आर नॉट। जैसे ये लिखा है अ डेज लीव, अ डेज लीव, सर ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और इसके बाद अगर बात करें तो एक मैंने और लिख लिया यहाँ पर, डेथ्स आई सी हैंड, डेथ्स आई सी हैंड्स, इज इट करेक्ट आर नॉट, ये आपको एक्सप्रेशन केवल लिख करके बताने, दीज आर करेक्ट आर इनकरेक्ट, ठीक है, इनमें भी सभी में एपोस्ट्रॉफी यूज किया गया है। आई कॉन्ट कम यू, कॉन्ट कम टू यू बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो सर इसके साथ हम वर्क्स नहीं लिखेंगे। बाकी एक बात यहाँ सीख सकते हैं कि अ लॉट ऑफ जो होता है, अ लॉट ऑफ जो होता है एंड लॉट्स ऑफ जो होता है, ये दो एक्सप्रेशन होते हैं, दोनों डिटरमिनर हैं सर, ये क्या है, दोनों डिटरमिनर है, और डिटरमिनर जो होते हैं, ठीक है, डिटरमिनर जो होते हैं वो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो पहली बात तो ये इनकरेक्ट मत मार करिएगा, इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आपको कहीं ऐसा लिख दे अलॉट्स ऑफ तो ये रॉन्ग हो जाएगा। एंड अनदर थिंग इज दैट कई बार अलॉट केवल यूज कर देता है सर, दिस इज एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब, ये सभी डिटरमिनर हैं, ये दोनों डिटरमिनर हैं, ये आपका एडवर्ब है, इतनी बात, ठीक है। तो बहुत मतलब अगर सीरियसली आप सीखने के पर्पज से वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। नेक्स्ट 19, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस, ऑक्सेस नहीं होता सर, ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है सर, ऑक्सन होता है, तो ओ एक्स ई एन बनेगा यहाँ पर, ये तो बेहद इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, माय सिस्टर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विद अस। सर ये जो लिख रहा है ये कंपाउंड नाउन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कंपाउंड नाउन, माय सिस्टर इन लॉ, कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय सर मेन वर्ड को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, मेन वर्ड प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट वाला नहीं होता है, वो ये होता है मेन वर्ड। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, और ये जो बीच में आप डैश लगा रहे हैं ना ये हाइफन है, इसको हाइफन बोलते हैं हम, ठीक है, तो याद रखिएगा
कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते समय जो मेन वर्ड है उसको हम प्लूरल करके लिखते हैं। सर आपको बताना है कोड, कोड ऑफ कंडक्ट का प्लूरल क्या होगा, ये भी आपका क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। सर आपको बताना है एक दूसरा टर्म है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे एक ये टर्म है आपका, आप बताइएगा, जैसे ये लिख रहा है सेक्रेटरी जर्नल, सेक्रेटरी जर्नल, सेक्रेटरी जर्नल, ठीक है, ये एक टर्म है, इसका आपको बताना है कि इसका प्लूरल क्या होगा, दोनों के प्लूरल आपको बताने हैं। आइए बढ़ते हैं 21। द आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट, ये लिख रहा है। अब देखो इसमें समझते हैं जरा, ये जो टर्म है आपका, जब आप कुछ वर्ड हैं, इन वर्ड्स के बारे में समझिएगा, जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं सम है, सर लिखते हैं एनी है, सर लिखते हैं एनी है, इसके अलावा ईच है, सर क्या लिखते हैं आइदर है, इनके बाद अगर आप ऑफ लगा लेते हैं, नाइदर है, और भी वर्ड्स हो सकते हैं इसमें, इनके बाद ऑफ लगा लेते हैं, तो ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, और ये सर क्या बताता है, सिलेक्शन का, सिलेक्शन को शो करेगा, और सिलेक्शन हमेशा एक से ज़्यादा में होता है, दैट इज वाई ये नाउन जो होगा ये प्लूरल होगा, और नाउन की जगह प्रोनाउन आएगा तो वो भी प्लूरल होगा। तो याद रखिए कि एनी ऑफ द शॉप्स आ जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द शॉप्स। 21 क्लियर। 22, मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इनकरेजिंग, कह रहा है मोरल जो है आर्मी का वो बहुत ज़्यादा हाई है, सही है, करेक्ट है सर। एक देखिए मोरल होता है, एक मोरल होता है, मोरल मतलब कॉन्फिडेंस, बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, न्यूज के लिए आपने यहाँ पर आर लगाया है सर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, इज आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर जो सीखने वाली है, आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको सिखाता हूँ सर क्या है, दो बातें आपको याद रखनी है सर, एक वर्ड होता है न्यूज एंड सेकेंड वर्ड इज टाइडिंग्स, टाइडिंग्स, क्लियर। न्यूज जो वर्ड है सर ये कैसा है, ये सिंगुलर है, न्यूज वर्ड क्या है, सिंगुलर, जबकि टाइडिंग्स वर्ड क्या है, प्लूरल, दोनों का मतलब सूचना होता है, याद रखिएगा। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अ फ्लॉक ऑफ लायन रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल। अब एक बात बताइए, पहली बात तो ये कई बार ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है आपको, ग्रुप डिनोटिंग वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। अब लायंस का ग्रुप जो होता है वो फ्लॉक नहीं होता सर, फ्लॉक होता है सीप का ग्रुप, है ना, बर्ड्स का ग्रुप है ना, तो ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पर लायन के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्राइड, प्राइड सर, ये मेमोराइज करना बहुत टफ नहीं है, लायन को हमेशा प्राइड होता है, ठीक है, वो जंगल का राजा है। अच्छा, अच्छी बात यह है कि उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, वो ना तो सबसे हैवीएस्ट एनिमल है और ना सबसे फास्टेस्ट एनिमल है और ना ही सबसे क्लेवरेस्ट एनिमल है, ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है जो बिल्कुल डिफरेंट बनाए, लेकिन वो जंगल का राजा है क्योंकि उसको लगता है कि वो राजा है ना, प्राइड ऑफ लायन, इसलिए उसको प्राइड है अपने आप पे। चलिए ये बात क्लियर हो गई, पार्ट नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फ्लॉक वर्ड किसके लिए आता है सर, ये भी बात कर लेते हैं, फ्लॉक आता है सीप के लिए आता है सर, इसके अलावा ये बर्ड्स के लिए आता है, दो चीज़ों के लिए इसका यूज करते हो, बर्ड्स के लिए, सीप के लिए है। इसी के टर्म में आप फ्लाइट भी यूज करते हो, ये भी बर्ड्स के लिए आता है सर, याद रखिएगा फ्लाइट, बर्ड्स, क्लियर। नेक्स्ट 23, 24, आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड, ये एक्सप्रेशन गलत है सर, इन द लैप ऑफ गॉड, अब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है भाई, मैं जितना कर सकता था मैंने पूरा अपना 100% दिया है, अब बाकी की चीज़ भगवान के भरोसे है, ठीक है। इन द लैप ऑफ गॉड, अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स, सेलर्स का जो ग्रुप होता है, गैंग तो होता है सर रॉबर्स का, गैंग के बारे में बात करोगे तो गैंग किन का होता है सर, गैंग होता है रॉबर्स का, गैंग किन का होता है सर, रॉबर्स का होता है ना। तो ये क्या कह रहा है, अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर, सेलर का जो ग्रुप होता है सर उसको क्या बोलते हैं, क्रू बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, क्रू बोलते हैं, क्रू मेंबर्स बोलते हैं, क्रू मेंबर्स आपने सुना होगा, जैसे बोट के लिए वर्ड आता है फ्लोटिला, बोट का जो ग्रुप होता है सर उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिला बोलते हैं, फ्लोटिला, याद रखिएगा, है ना। तो ये टर्म आपको याद रखना है, जैसे सिप का जो ग्रुप होता है, ये छोड़िए इसको, तो होपफुली बात क्लियर हो गई, ठीक है, तो ये याद रखिए। जैसे फ्लीट आता है, फ्लीट, फ्लीट किन का ग्रुप होता है सर, ये सिप्स का होता है, व्हीकल्स का होता है फ्लीट, या ये छोटे छोटे टर्म आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे मुझे ये बताइएगा कि सर ये जो पार्लियामेंट होता है ना, ये जो टर्म है आपका पार्लियामेंट, 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 ये किन का ग्रुप होता है, ठीक है, ये किन का ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट, है ना, तो पार्लियामेंट किन का ग्रुप है आपको डिफाइन करके बताना है, ठीक।
आइए चलते हैं डियर। इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। तो कह रहा है जो इंटरव्यूज होने हैं लेक्चरर्स पोस्ट के लिए, तो यहाँ पोस्ट नहीं होगा सर, पोस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करोगे, पोस्ट नहीं आएगा सर, पोस्ट आएगा। द पोस्ट ऑफ क्लर्क, द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर ये होगा। आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो पहले तो ये कुछ टर्म आपको यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, कौन कौन से टर्म। जैसे ये इंग्लिश के अपने खुद के वर्ड नहीं है, दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश में आ गए, दैट इज़ वाई हम वैसे प्लूरल नहीं इनको डिफाइन कर पाते हैं जैसे बाकी का प्लूरल हम सीखते हैं इंग्लिश में। तो जैसे ये कुछ वर्ड है, जैसे सर ये है आपका फिनोमेनन, फिनोमेनन सर क्या है, क्राइटेरियन है, क्राइटेरियन है सर क्या है। जैसे इसी तरीके से फंगस है, FUNGUS, फंगस है। जैसे इसी तरीके से एक्सिस है सर, एक्सिस है। जैसे सर बेसिस है, बेसिस है, BASIS सर। थेसिस है, थेसिस है सर। क्राइसिस है, क्राइसिस है। ठीक है सर, स्टेडियम, स्टेडियम है, स्टेडियम है। हालांकि ये कम रिपीटेड हैं, पूछे कम जाते हैं ये क्राइटेरियन वर्ड बार बार पूछा जाता है। फिनोमेनन की बात करें तो सर फिनोमेना हो जाएगा, फिनोमेना MENA हो जाएगा। क्राइटेरियन का सर क्या बन जाएगा, क्राइटेरिया आ जाएगा, क्राइटेरिया। फंगस का क्या हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। कैक्टस एक वर्ड छूट गया, कैक्टी हो जाता है। IS वाले में ES कन्वर्ट करके लिख देते हो, ES, तो इसका क्या बन जाएगा, एक्सेस, बेसिस, थेसिस, क्राइसिस, है ना। स्टेडियम का सर बन जाएगा स्टेडिया, स्टेडिया। ये सारे वर्ड याद रखने आपको, क्लियर रहेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अब इसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन मैंने आपको लेक्चर में भी ऑलरेडी कराया था कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ दिस सिलेक्शन। क्राइटेरिया वर्ड जो है ये सर कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए सर, आर। अब इसको वाइस वर्सा दूसरे तरीके से भी आप सोच सकते हो कि सर जो वर्ब सिंगुलर है तो फिर क्राइटेरियन लिख ले, ऐसा क्या है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के अनुसार आएगा या वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, है ना। आप कहते हो भाई जो जो पति है वो पत्नी के अनुसार चलेगा या पत्नी जो है वो पति के अनुसार चलेगी, है। तो ये सिंपल सी बात है कि वर्ब का यूज जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, तो सर इसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं 28। ये सर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बड़ी अच्छी बात है कि इस बुक में ये जो लास्ट के दो तीन क्वेश्चन दिए गए हैं सर बेहद 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 इम्पॉर्टेंट है। आप जितने इम्पॉर्टेंट मार्क करना चाहें मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते, इतने इम्पॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है सर, सत्यजीत राय हु कंसीव्ड कोऑथर्ड एंड डायरेक्टेड अ नंबर ऑफ गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर। ठीक है सर, वन ऑफ के बाद ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ के बाद जो भी हम नाउन यूज करते हैं, जो भी फर्स्ट नाउन यूज करते हैं जिसमें सिलेक्शन होता है, दैट शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म, दैट शुड बी रिटन इन प्लूरल फॉर्म। तो वन ऑफ के बाद इंडियाज लिख रहा है सर, ये एपोस्ट्रॉफी लगा रहा है। मोस्ट एडवर्ब हो गया सर, टैलेंटेड एडजेक्टिव हो गया सर। यहाँ तक तो हमें कोई नाउन मिला ही नहीं, अब नाउन मिला है फिल्म मेकर, वो भी कौन सा नाउन मिल गया सर, सीडी मिल गया, कंपाउंड नाउन मिल गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फिल्म मेकर सर। सर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप इसको गांठ बांध लीजिए कि सर इसको बिल्कुल दो से तीन बार हम रिकॉल कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और एज इट इज वर्ड वर्डिंग आती है वो छोड़िए, आप CDS छोड़िए, ये एयरफोर्स के एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, ठीक है, और SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया, मतलब इतना क्या कहा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ये भी बार बार आता है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको। सर रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है, आप जितने बार कहना चाहें उतने बार कह लें, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। द क्या हो गया सर, आर्टिकल। मोस्ट क्या हो गया सर, एडवर्ब। वाइड स्प्रेड सर एडजेक्टिव। बैड सर एडजेक्टिव। अच्छा हैबिट सर नाउन। तो फर्स्ट नाउन जो आपको मिल रहा है वो है सर कौन सा, हैबिट। तो हैबिट की जगह क्या आ जाएगा सर, हैबिट्स आ जाएगा। दिस इज योर करेक्ट फ्रेज। तो यहाँ पर हैबिट की जगह क्या आ जाएगा, हैबिट्स। सर ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बुक्स यू नीड आर केप्ट ऑन द टेबल।
ठीक है, बुक्स जो तुम्हें ज़रूरत है वो टेबल पर हैं, ये कहना चाह रहा है सर। इसमें देख लेते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम है। बुक्स सही है। अच्छा, आर्टिकल दा भी सही है, चूँकि ये ऑलरेडी इसने एक फ्रेज लिख रखा है, वो सॉरी क्लॉज लिख रखी है, तो ये दा भी करेक्ट है। इसके बाद दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है। यू नीड, यू सब्जेक्ट हो गया, नीड वर्ब हो गई। ये आर किसके अनुसार आया सर? इज दैट के अनुसार। दैट किसके अनुसार आया सर? बुक्स के अनुसार। तो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या आ गया? आर। सेंटेंस जो है नो एरर है। सर सेशन कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं उनको कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। और नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका इसी बुक से, वो है आपका प्रोनाउन फ्रॉम प्लिन सॉरी पैरा पाथ फाइंडर बुक से। अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक की, तो दैट विल बी प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन पर डिस्कशन करेंगे अपकमिंग सेशन पर, ठीक है। और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन, क्लियर। तो मोटिवेशन मिलता है सर? बिल्कुल मिलता है। एक से अगर आपके एक शेयर एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो बिल्कुल मोटिवेट करिए आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। मिलते हैं सर एक नए धुआंधार सेशन में, एक नए शुरुआत के साथ। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू ऑफिसर्स।